विभू, यू नेवर टोल्ड मी। तुम्हारा दोनों बीबी फाड़खानी निकली रे, फाटाफाटी। तुम्हारा जो अंग्रेज बीबी है वो तुम्हारा जायदाद पे कब्जा किया है, तुम्हारा शेयर्स पे कब्जा किया, तुम्हारा घर पे कब्जा किया। तुम उसका चंगुल से बहुत मुश्किल से छूट के इधर इंडिया भाग के आया। तुम अगर नहीं भाग के आता ना तो अब तक तुम्हारा पैंट बच जाता। चार्ज प्लीज रिलैक्स। जो कुछ बोला उन्होंने सच बोला ना। कोई बात नहीं, रिलैक्स, हम लोग हैं ना। अरे वो तो ठीक है कि तुम लोग हो मेरे साथ, लेकिन मुझे अपनी अय्याशी के दिन बहुत याद आ रहे हैं। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं उन दिनों को। देख डोगर अय्याश निकलो, क्रोकोडाइल टीयर। घबराओ नहीं, बहुत जल्दी तुम तय बोलने से पहले अपना ये अय्याशी भला लाइफ जी के जाएगा। लेकिन वो दिन कब आएगा आचार्य जी? टाइम बोलते पर बोना। हमारा गुरुजी ने हमको स्ट्रिक्टली मना किया है टाइम नहीं बोलना है। अंगुरी तिवारी के गो ये है गो। अपनाम करे पंडित जी। खूब पालो, खूब सुंदर, खूब सुंदर, खूब सुंदर। ऐसा आपका जो कुंडली है, ऐसा सब का कुंडली हो जाए तो कितना भालू हो जाए। कितना अच्छा, कितना खूबसूरत कुंडली लिखा है ईश्वर ने, खूब भालो। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा जॉब तॉप व्रत, तुम्हारा जो तुम अपना पति का सेवा करती हो। अजीया जी, क्या बोल रहे हैं आप? पति? ए बड़ा छले छावले बच्चा, वही पति ना है। पति हस्बैंड आपका बात कर रहे हैं, सही समझे। हस्बैंड का सेवा करती हो, सास का सेवा करती हो, तुम्हारा चरित्र एकदम बेदाग है। बल्कि हम तुमको ये बोलेगा, ये जो तुम्हारा पति है अगर तुम इसके साथ नहीं रहेगा तो इसका लॉक का टिक 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 बैंड बज जाएगा। सुनिए पंडित जी, हमरा एक सवाल है। कहना कि हमको हमेशा ही हमेशा तानसेन लगा रहता है, कि कहीं लड्डू के भैया हमको छोड़कर कोनो दूसरी औरत से शादी तो ना ही कर लेंगे। काश आश 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 किस की मिस्टी। ना 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 ना, ऐसा वो नहीं कर सकता, उसका हिम्मत ही नहीं है करने का। अगर वो ऐसा करेगा तो तुम्हारा जो सासू माँ है वो बंदूक लेगा और उसको गुली से उड़ा देगा। अनीता मिश्रा के गो जी है गो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्कार नमस्कार, खूब सुंदर तुम्हार कुंडली, खूब भालो शानदार लिखेचे, खूब भालो लिखेचे। तुम्हें एक टी इंडिपेंडेंट वुमन। यस। तुम्हारा हस्बैंड एक्टर नल्ला। नल्ला जग जाहिर है। आचार्य जी, मेरा एक सवाल था, क्या मैं कभी करोड़पति बन पाऊंगी? करोड़पति ना, अरबपति हो बे तुम्ही। किंतु तुम्हारा कुंडली में एक ठो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गड़बड़ ये है कि तुम्हारा अंदर लालच है, तो बीच बीच में वो लालच ऐसा बुक 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 करके उठता है। तुम कभी कभी अपना जो ये हस्बैंड है उसको भी तुम सेल पे लगा देता है, बिक्री पे लगा देता है। तो ये कौन सा बिकते हुए सर नल्लो? आचार्य जी वो तो एक मजाक था। ना ना ना, वो सक्सेसफुल नहीं था इसलिए मजाक था। अगर वो सक्सेसफुल होता तो बहुत बड़ा डील होता। अन्य मुझे जानकर आज भी बड़ा अफसोस होता है कि मैं बिक रहा था और तुम मुझे बेच रही थी। विभू लाइक बायगॉन्स बी बायगॉन्स। मनमोहन तिवारी के रे ये।
विभूति नारायण मिश्रा के रे। कुंडली तो एकदम अलग लिखा है। कैसा जरा बताइए आचार्य जी। अरे तुम दोनों का कुंडली कहता है कि तुम दोनों बहुत ही जलील और कमीना मानुष है। और ऐसा कुंडली का नहीं, ऐसा पूरा मोहल्ला वालों का मानना है। आप जरूर कमीने भी हैं, छोरे भी हैं और घटिया भी हैं। जाइए, दो कौड़ी के आदमी हैं आप, दो कौड़ी के जरूर कमीने। आप कमांडर के भी देश चलोगे क्या? बड़ा छेले गुलो लोड़चे माछ बाजार बनाचे खरे। तुम दोनों लाड़ क्यों रहा है? क्यों लाड़ रहा है? तुम दोनों है ही जलील और कमीना। और तुम दोनों को एक अलग बात बताता है तुम्हारा कुंडली का, तुम दोनों 10 मिनट का डिफरेंस में मर जाएगा। व्हाट? मतलब अभी 10 मिनट में टाइम हो जाएंगे? आप कहा बोल रहे पंडित जी? ये हम नहीं कह रहा है, कुंडली कह रहा है। कुंडली में ऐसा साफ लिखा है कि एक मरेगा, उसके 10 मिनट बाद दूसरा भी मर जाएगा। अरे यार, ये कब होगा? तुम लोग कथा नहीं सुनता है? अरे कभी भी मर सकता है, आज मर सकता है, कल मर सकता है, 10 दिन बाद मर सकता है, 100 बच्चों बाद मर सकता है, लेकिन मर सकता है। लेकिन पहले कौन मरेगा? पहले ये मनमोहन तिवारी मरेगा। अच्छा, उसका 10 मिनट बाद विभूति नारायण मिश्रा मरेगा। अगर ये मर जाएगा तो मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे। हम पंडित रामपाल से पूछेंगे कछु उपाय। हाँ भाभी जी, ये हिस्सा आप देख रही हैं? ये कौन सा हिस्सा है भाभी जी? हार्ट का हिस्सा है। और ये ब्लैक स्पॉट आप देख रही हैं भाभी? हाँ। ये जो है ना फैट है, जो तिवारी भैया के हार्ट के इर्द गिर्द पूरा जमा हो गया है। इसकी वजह से ये जो है ना ब्लॉकेज हो रहा है, और इसी वजह से ये ब्लड हार्ट को सप्लाई नहीं हो पा रहा। अगर इनके पूड़ी पराठे ऑयली चीजें जल्दी बंद नहीं की तो मैं से कह रहा हूँ भाभी जी, आने वाले समय में इनको और ज्यादा ब्लॉकेज होने के हेल्दी चांसेस हैं। डॉक्टर साहब तो अब ये कहना चाह रहे हैं कि इनकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं वो ब्लॉक्ड हैं। भैया हार्ट की आर्टरीज में ही ब्लॉकेज होता है? एक मिनट, अगर इनकी सारी फैटी चीजें बंद कर दी जाए तो? भाभी जी प्रॉब्लम सिर्फ हार्ट में नहीं है, फैटी लीवर भी हो गया है। लेकिन वो तो इतनी शराब पीते भी नहीं। ये बात आपसे किसने कही कि सिर्फ शराब पीने से ही फैटी लीवर होता है? जितनी भी मसालेदार और ऑयली चीजें होती हैं इनको खाने से भी फैटी लीवर होता है, जैसे मूली के पराठे, गोभी के पराठे, घुइया के पराठे, पूड़ी, कचौड़ी, पकौड़ा, ये सब खाने से भी लीवर फैटी होता है। और तिवारी भैया के केस में ये तो दरवाजे पे खड़े हैं। ये देखिए इनका जो लीवर है, ये लीवर देख रही हैं आप, ये देखिए किडनी से टच कर रहा है, और इसकी वजह से किडनी अपने सारे फंक्शन अच्छे से नहीं कर पा रही है। अब क्या इनकी किडनी में भी प्रॉब्लम है? 25-25 ग्राम के 2 स्टोन भरे पड़े। मॉमी, तिवारी जी गॉट माउंटेन्स इन हिज स्टमक, उनके पेट में पहाड़ है। भाभी जी, विभूति भैया रो क्यों रहे हैं? विभू, व्हाट हैपेंड? व्हाई आर यू क्राइंग? तू भूल गई जो तिवारी जी की प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम मेरी है, और मैं ये फील करने लगा हूँ कि जो बीमारियां उनको वही बीमारियां मुझे भी है। विभू, प्लीज रिलैक्स। हाँ, यू आर फिट। एक मिनट, मैं पूछती हूँ डॉक्टर साहब, इस चीज का कोई सोल्यूशन भी तो होगा? सोल्यूशन तो भाभी जी है, लेकिन उस पे रिजल्ट की उम्मीद मत रखिए। आई नो, तिवारी जी ने सालों से बीमारियां पाल रखी है ये। इस चक्कर में मैं चक्की में पिस गया हूँ। माय गॉड बेबी, पहले तुम बच्चों की तरह रोना बंद करो। यू आर फिट, आई एम टेलिंग यू ना। बेबी रिलैक्स,
वैसे डॉक्टर साहब, आप तिवारी जी की हेल्थ को आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स देना चाहेंगे? अरे भाभी जी, इस मामले में मैं आपसे अकेले में बात करता हूँ। अकेले में क्यों, यहाँ मेरे सामने करिए। मेरे सामने बात करिए। अरे भैया, अगर मैंने कुछ बताया और उतने में आपका बीपी ऊपर नीचे हो गया तो अभी लेने देने पड़ जाएंगे, आप परेशान ना होइए। You're gonna tell me right now. बेबू, रिलैक्स बेबू, spit it out. Pick up, I said, spit it out, spit it out. बेबू, बेबू, डॉक्टर साहब, बाहर आ जाइए, बाहर आइए। क्या कर रहे हैं भैया? रिपोर्ट तो मैं तिवारी भैया को बता रहा हूँ, आप इतना वायलेंट क्यों हो रहे हैं? आप इनके सामने बता दीजिए। काम डाउन। देखिए भाभी जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। तिवारी भैया की अगर हेल्थ की बात करें तो मैं आउट ऑफ 10 में 2 की रेटिंग दूंगा। मैं नहीं बचूंगा, मैं मर जाऊंगा। तिवारी मुझे लेके जाएगा साथ में, कुत्ता मेरे खा मुझे भी ले जाएगा। भैया भैया भैया, एक और रास्ता है। अगर तिवारी भैया की ऑयली और फैटी चीजें बंद की जाए तो वो जल्दी ठीक भी हो सकते हैं। बड़ा मुश्किल है यार, वो एक नंबर का भूखड़ है। हमरे सैया जी खा खा कचौरी, हो गए है बड़ी सी पकौड़ी, हाय दिया हम का करें, खा खा कचौरी। भाभी जी, अगर आपके सैया कचौड़ी खाएंगे तो कचौड़ी बन जाएंगे। ऐसा है बरबूती जी, आप चुप कीजिए और जाइए यहाँ से। भाभी जी, कैसे चुप रहूं? अगर वो कचौड़ी खाएंगे वो तो पकौड़ा बन जाएंगे, साथ में ही पकौड़ा बन जाऊंगा। भाभी जी, आप तो जानती हैं कि मेरी जान तिवारी जी के तोते में है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो 10 मिनट के अंदर मुझे भी कुछ हो जाएगा। चुप कीजिए, का है अकेले लड्डू के भैया को कछु हो गया, लड्डू के भैया को कछु हो गया, कछु नहीं होगा हमरे लड्डू के भैया को। ऐसा है ना कि वो जो पंडित जी है ना 9 प्लेनेट। भाभी जी, आप नवग्रह गांगुली कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, वो कोनो भगवान के भतीजे नहीं हैं, जो बोल दिए वैसा हो जाएगा। भाभी जी, उनकी भविष्यवाणी हमेशा पत्थर की लकीर होती है। हाँ है ना बरबूती जी, हमरा बात जो है कान खोल कर सुन लीजिए, उनके बोलने से कछु नहीं होगा, जो लिखा है वही होगा। कमाल है, जबकि आप खुद पंडित रामभर की इतनी बड़ी फॉलोवर हैं। हाँ तो वो हमरे ससुर जी, हमरे मतलब जो पंडित राम फल हैं, वो जो है अलग ही भविष्यवाणी करते हैं। वो तो मुझे पता है, लेकिन भाभी जी फिर भी आपको बोले रहना, राम जी जिस खिलौने में जितना चाबी भरते हैं वो खिलौना उतना ही चलता है। भाभी जी, जंग खाया हुआ खिलौना ना भगवान की चाबी भरने से पहले ही टूट जाता है। हमरे लड्डू के भैया के खिलौने में कोनो भी जंग ना आई है। हाँ भाभी जी, आपकी बहुत बड़ी खुशफहमी है, इतना तेल मसाला खाते हैं वो, उनका खिलौना जंग खा गया है, और अगर वो जंग साफ नहीं किया गया तो हो सकता है खिलौना बहुत जल्दी टूट के चकनाचूर हो जाए। चुप बरबूती, तोरा हिम्मत कैसे हुआ हमरे लड्डू के भैया के बारे में ऐसा अनाप शनाप बातें करने का? हाँ, शर्म नहीं आता है? और सुन बे बरबूती, एक बात और, तुम अपने खिलौने पर ध्यान दो, हमरे लड्डू के भैया के खिलौने पर नहीं। अभी जी, व्हाई डोंट यू गेट लॉस्ट? Why don't you understand कि अगर मैं उनके खिलौने पे ध्यान दूंगा तभी तो अपने खिलौने पे ध्यान दूंगा। Get lost. भाभी जी, I would love to have lots of it. क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, आप get lost कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं, फूटिए यहाँ से। हमको संतान प्राप्ति के लिए जो उपाय अम्मा जी बोलेंगे हम ऊपर ही ध्यान देंगे बस। It has lot of saturated fat. फुट! दिया? अरे भाई, कचौरियां बन गई कि नहीं? जल्दी से लेके आओ, भूख के मारे जान निकली जा रही है। ये लीजिए आपका मनपसंद कचौरी। क्या बात है, अरे अब क्या सूखी सूखी खाएंगे? चटनी बटनी का जो कुछ तो लेके आओ। हाँ हाँ, हम अभी लाते हैं पुदीना और हरा धनिया का चटनी। हाँ हाँ हाँ, लेके आओ। हाय हाय, ओहो भैया, रहा नहीं जा रहा है, थोड़ी खा ही लेते हैं। नहीं, क्या कर रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया? आप कचौरियां खा रहे हैं? Are you mad? जिनका दिमाग खराब होता है वही कचौरियां खाते हैं, क्या नॉर्मल आदमी कचौरी नहीं खाता? जी हाँ,
जिनका दिमाग खराब होता वही कचौरियाँ खाते। आपको मालूम है इस कचौरी में क्या है? सैचुरेटेड फैट। ये ऑयल लग जाके क्या क्या करेगा पेट में आपको अंदाजा भी नहीं है। क्या करेगा? आनंद आएगा, मन तृप्त हो जाएगा। जी नहीं, आपका बीपी बढ़ाएगा, शुगर लेवल्स बढ़ाएगा, किडनी प्रॉब्लम देगा, हार्ट सीजर करेगा आपका। ये हम जान सकते हैं कि आपको इतनी फिक्र हमारे लिए क्यों हो रही है? शायद आप बोल रहे हैं कि मेरे तोते की जान आपके अंदर। अगर आपका तोता उड़ा तो मेरे तोता ऑटोमेटिकली उड़ जाएगा। अरे आप अपने तोते की फिक्र कीजिए ना, हमारे तोते को परवाज होने से क्यों रोकना चाह रहे हैं आप? आइडिया, कौन किसके तोते उड़ा रहा है? कुछ नहीं पगली, ये हमारे अरमानों के तोते का गला दबाकर उसे मारना चाह रहे हैं। मैं आपके अरमानों के तोते का गला इसलिए दबा रहा हूँ कि कहीं आपके तोते के प्राण पखेरू ना हो जाएं। आइडिया, पिरान साहब तोता पाले हैं? ए तेरा, that was really pathetic भाभी जी। कुछ नहीं भाभी जी, मैं ये कचौरे लेके जा रहा हूँ ताकि इनका तोता बच सके, सेफ एंड साउंड रह सके। हाँ जी खन्ना साहब। हाँ सुनिए, हम यहाँ से निकल रहे हैं। जी हाँ, अरे लास्ट बस तो निकल गई सर, अब कोई प्राइवेट वाहन पकड़ के ही आना पड़ेगा। देखिए अगर सवारी सही समय पर मिल गई ना तो फिर हम सुबह दिल्ली पहुँच जाएंगे, नहीं तो फिर 12 बजे तक पहुँचेंगे। आप मीटिंग 2 बजे की रख लीजिएगा, ठीक है? 10 लाख का मामला है भाई, हाथ से जाना नहीं चाहिए। तिवारी जी। अबे तेरी, इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई जरूरी काम से जा रहे हैं, हटाइए। बताइए तो सही कहाँ जा रहे हैं, ना तो आपको रात को ट्रेन मिलेगी ना बस मिलेगी। हाँ तो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं ना, वो मिल जाएंगे, नहीं तो किसी ट्रक से लिफ्ट विफ्ट लेके चले जाएंगे। तिवारी जी इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है? अरे भाई हमारे बिजनेस का सवाल है, 10 लाख का ऑर्डर मिल रहा है, हम अपना बिजनेस छोड़ दें क्या? हटाइए। देखिए सुबह चले जाइए, मैं चलूंगा आपके साथ। आप हमारे गले काय पड़ रहे हैं? आप अपना काम कीजिए ना यार, हमें हमारा धंधा करने दीजिए। अगर हमने समय पर नहीं पहुंचे ना हम, तो हम ऑर्डर किसी और को मिल जाएगा, समझिए। देखिए तिवारी जी, जान से बढ़ के ऑर्डर नहीं है। आप सपोज यहाँ से ट्रक से निकले और ट्रक खुदा ना खास्ता पलट गया रास्ते में, तो हम तो टैब हो जाएंगे। क्या क्या फायदा उस ऑर्डर का फिर? और आप ये बात भूल रहे हैं कि अगर आप टैब बोल गए तो आपके ठीक 10 मिनट के बाद मैं भी टैब बोल जाऊंगा। ओहो अच्छा अच्छा, अब समझे, मतलब आप अपनी जान बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं, है? अब समझ में आया। तिवारी जी सबको अपनी जान की फिक्र होती है, लेकिन मुझे अपनी जान के साथ साथ आपकी जान की भी फिक्र है। आप अपनी जान की बनाई बत्ती और पीछे जेब में घुसेड़ लीजिए। हम तो वैसे ही परेशान है पंडित रामफल से, हम इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, समझा कीजिए। तिवारी जी, I'm sorry, मैं ये रिस्क ले नहीं सकता। जा टिलुआ, यार हमारी सारी अय्याशी क्या बंद हो जाएगी? अबे यार हमें बंद करने की क्या जरूरत है याशी? अय्याशी तो उसको बंद करनी चाहिए चुरस्की को, साला खुद तो मरने वाला और साथ में हमें भी ले डूबेगा। तो क्या को मतलब जा बहो कि हम इसको पी सकते हैं? अबे क्यों नहीं पी सकते यार, जरूर पी सकते हैं। पी है? यार हमें वो चुस्की को पता कर लेना चाहिए। मैं चुरस्की, सॉरी यार, वो चुरस्की के बारे में पता कर लेना चाहिए यार कि वो कम मरने वालों है। मैंने तुझसे कहा था चुरस्की का नंबर निकालियो, निकाला तूने? निकाल दो मैंने यार। अरे सुन सर, बड़ा फेमस आदमी हो, इंटरनेट में नंबर मिल जाता है आपको, देख कब को निकाल कर रखो है। मालिक उसको सही रखियो। अबे वीडियो कॉल लगानी है, जान निकल रही है। हेलो सर, प्रिवियत वॉस गोवरेश। सर कैन आई स्पीक मिस्टर चुरस्की? द गोवरेशी। कुरेशी की बात करो, बटन वाला कुरेशी जो कोने पे रहते हो ना। अबे बाप रे, ये रशियन है।
Sarth, how are you, Mr. Chusky? Chusky. I'm sorry. My fault. Chusky, how are you? Yeah, we're Poryatki. Kis aurat ki? Poryatki, Poryatki. Okay, nice, nice. What nice? What? You idiot, I'm fine. Tabiyat kharab hai re jaake. Abbe. Sir, pani wani pilo sir, aas paas rakha hoga. Hold. Sir, pani, sir, please, coffee ho bhi kuch. कचरों दिखाया जरा यार, बस हसन की आवाज आ रही है, बहुत तेज ले रहे हो यार. अरे हेलो आवाज देना यार. हेलो सर. हेलो चुरस्की सर, पानी वानी पी लो. हेलो, आपको कोई बेटा बेटा बेटी है क्या? आंटी, हेलो, कोई है? अरे चुरस्की सर की हेल्प करो, कोई है? तिलवा, तू अंदर घुस जाना यार, उठा ले यार. मैं कहां से घुस जाऊं उसके अंदर? अरे